हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, स्कोडा स्लाविया 1500 सीसी का जो इंजन है उसके प्राइजेज अनाउंस हो गए हैं, प्राइजेज आ गए हैं और इस गाड़ी को लॉन्च कर दिया गया है इस इंजन के साथ में भी। तो अगर इसकी प्राइसिंग की हम बात करें तो इसे सिर्फ टॉप ऑफ द लाइन स्टाइल वेरियंट में अवेलेबल कराया गया है और इसकी प्राइसिंग एक शोरूम है मैनुअल में 16,19,000 रुपये एक शोरूम, और वहीं ऑटोमेटिक की बात करें तो 17,79,000 एक शोरूम प्राइस है इस गाड़ी की इस इंजन के साथ। प्राइसिंग की मैं बात करूं तो मुझे थोड़ी महंगी ज़रूर लगती है, वैल्यू फॉर मनी तो ये बिल्कुल भी नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए थी क्योंकि तेज तरार इंजन है, शौकीन लोगों का इंजन है। बट स्टिल अगर मैं इसे कंपेयर करूँ 1 लीटर इंजन से तो काफ़ी महंगा मुझे लगता है, क्योंकि आप जो प्राइस प्रीमियम पे करते हैं वो 2 लाख रुपये से ज़्यादा है, लगभग 2.5 लाख रुपये तक जाता है। क्योंकि अगर स्टाइल वेरियंट में के देखूँ मैं तो मैनुअल जो 1 लीटर है उसकी कीमत है 13,99,000 रुपीज़, और अगर ऑटोमेटिक में देखें तो 15,39,000 रुपीज़, और वहीं इसकी जैसे मैंने बताया 1.5 लीटर में 16,19,000 और 17,79,000। तो एक शोरूम में ही प्राइस 2 लाख रुपये से ज़्यादा जा रही है, ऑन रोड में तो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो थोड़ा प्राइस थोड़ा महंगा ज़रूर है, बट जैसे मैंने कहा ये शौकीन लोग होंगे जो दिल से सोचेंगे, जिन पर पैसे की कमी नहीं है वो इस इंजन को लेंगे, और बेहतरीन इंजन है, बहुत मज़ा आएगा आपको चला के। और इस सेगमेंट में ऐसा इंजन किसी के पास नहीं है, ना होंडा सिटी, ना सियाज, ना वरना, ये सब का कंपैरिजन ही नहीं है इससे। और इसमें एक सिलेंडर डी एक्टिव टेक्नोलॉजी आती है जिससे पावर के साथ साथ आपको माइलेज अच्छी मिलती है, क्योंकि जब इंजन सिस्टम जज करता है, सेंस करता है कि आपको ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप एक कम कंट्रोल स्पीड में चल रहे हैं, तो फिर आपको ये 2 सिलेंडर्स को ऑटोमेटिक डी एक्टिव कर देता है जिससे आपको लोड कम पड़ता है और माइलेज आपको बहुत अच्छी मिलती है। इंजन बहुत अच्छा है, गाड़ी बहुत शानदार है, सेडान का चार्म वापस आएगा। मैंने इसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बनाया था, अगर आपने चैनल पे नहीं देखा है पहले तो आप जाके ज़रूर देख सकते हैं। और तो ये है, बट मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि प्राइस प्रीमियम के साथ साथ इन्होंने जो इसे सिर्फ टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में लॉन्च किया है ये थोड़ा नाइंसाफ़ी मैं कहूँगा, क्योंकि कुछ लोग मेरी जैसे हैं जो फीचर से ज़्यादा इंजन को प्रेफर करते हैं। तो जैसे मैंने EX पेट्रोल को ना लेके क्रेटा में मैंने ई डीजल लिया था जब लॉन्च हुई थी स्टार्टिंग में, तो मैं इंजन पे ज़्यादा जोर दे रहा था, मुझे मज़ा चाहिए, माइलेज चाहिए, तेज़ तरार गाड़ी चाहिए। तो वैसे ही जो लोग अगर ये इसे स्टाइल वेरिएंट के साथ साथ थोड़े नीचे वाले वेरिएंट से भी देते तो कुछ लोग और भी इस वेरिएंट को ख़रीदना चाहते या ख़रीद लेते, इसकी डिमांड और होती और कस्टमर्स तक ये इंजन पहुँच पाता कुछ थोड़े कम बजट में भी, क्योंकि अब उन्हें 18 से 20 लाख रुपये खर्च करने ही पड़ेंगे इस इंजन के लिए। बट अगर नीचे वाले वेरिएंट्स में भी इंजन होता तो फिर ये लोगों के पास थोड़ा 16,15,16 के ब्रैकेट में भी आ जाता, तो ये एक बात है। बाकी इंजन बहुत अच्छा है, गाड़ी बहुत अच्छी है, प्राइसिंग थोड़ी हायर साइड पे ज़रूर है, बट गाड़ी बहुत अच्छी है चलाने में, तेज़ तर्रार है, ये असली इंजन है इस गाड़ी का। तो ये है स्कोडा स्लाविया सेडान फॉर मेन, और बस आपके संग आज ये प्राइसिंग और गाड़ी के इंजन के बारे में भी बात करनी थी। और बस अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखें, वीडियो अच्छा लगा तो थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कर दें, आपके प्यार सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है, और अपना अच्छे से ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।